प्रतापगढ़ स्टेडियम अभी तक खाता नहीं खुला है, चार पॉइंट की लीड ले चुकी है इस समय मल्लापुर की टीम। मेरा रेडर कोशिश करता हुआ तीन खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई, लेकिन रेड एम्पी जाती हुई है। अंपायर सर इस समय दीपू कोशिश करते हुए, लेकिन एक सुरक्षा घेर बनाती हुई दीपू के लिए और जबरदस्त टक्कर यहां पर दीपू को दिया गया है। एक पॉइंट और आता हुआ मल्लापुर के लिए। सुपर टैकल ऑन है, क्या टैकल किया जाएगा या कोई टच पॉइंट लेकर जाएगा ये रेडर यहां से। अगर यहां से कोई पॉइंट लेकर जाता है तो निश्चित तौर पर ऑल आउट कर सकती है टीम मल्लापुर। कोशिश करता हुआ रेडर, लेकिन अभी तक अपने आप को डिफेंड करते हुए खिलाड़ी। एक और कोशिश यहां पर, लेकिन और यहां पर यस देखना पड़ेगा। सुपर टैकल यहाँ पर हुआ है, दो पॉइंट तो सुपर टैकल हुआ वहां पर, दो पॉइंट से खाता खुला। इधर रेडर छह खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई टीम मल्लापुर यानी बोनस अभी भी आम है। एक और कोशिश, लेकिन रेड एम्प्टी। तीन खिलाड़ी यानी सुपर टैकल, एक सुपर टैकल ऑलरेडी कर चुकी है टीम प्रतापगढ़ स्टेडियम और उसी के सहारे खाता भी खुला है। दो और एक की चेन में इस समय रेडर आकाश, मल्लापुर के रेडर एक अच्छे रेडर हैं वो निश्चित तौर पर रेड करते हुए, लेकिन रेड यहां से संभवतः एम्प्टी जाएगी। और एक और रेड के लिए आशु, मल्लापुर के कोर्ट में छह खिलाड़ी मौजूद है, बोनस भी ऑन है। यहां टोटल का प्रयास किया गया और देखना पड़ेगा यहां पर, लेकिन कोई डिसीजन रेफरी का नहीं आया। अगर कोई डिसीजन रेफरी से कुछ होता है तो उसमें, और यहां पर गलत प्रयास आशु के द्वारा निश्चित तौर पर एक पॉइंट और आता हुआ मल्लापुर के लिए। अब सचिन इकलौते बची है उम्मीद, और इस उम्मीद को भी यहां तोड़ते हुए निश्चित तौर पर उम्मीद डूबती हुई इस समय प्रतापगढ़ स्टेडियम। तो अंतिम खिलाड़ी बचा है और कहते हैं चना भाड़ फोड़ नहीं सकता अकेला, ऑल आउट हुई टीम प्रतापगढ़ स्टेडियम। तो टाइम आउट भी लिया गया है, हो जाएगी 10-3 का स्कोर। पहले हाफ में कितना वक्त बचा है भाई? 10 मल्लापुर और 3 प्रतापगढ़ स्टेडियम। कितने मिनट बचा है पहले हाफ में? 10-3 यानी 7 पॉइंट की लीड है। ऑल आउट होने के बाद क्या पलटवार करेगी प्रतापगढ़ स्टेडियम? यहां पर बोनस का प्रयास तो किया गया हुआ या नहीं, लेकिन टैकल जरूर हुआ है। रेडर आउट, एक पॉइंट और आता हुआ मल्लापुर के लिए। इस समय रेडर मल्लापुर, लाजवाब प्रदर्शन करती हुई टीम मल्लापुर इस समय कह सकते हैं 8 पॉइंट की लीड ले चुकी है और पहला हाफ भी लगभग पूरा होने वाला है। कोशिश करता हुआ इस समय रेडर, यहां बैक किक लगाने का प्रयास था लेकिन संभाला अपने आप को। एक और कोशिश, लेकिन रेड एम्प्टी जाती हुई। इधर रेडर आशु, प्रेशर करने की कोशिश की गई लेकिन अपने आप को बचाया डिफेंडर ने। एक और अटैक इस समय राइट कॉर्नर से यहां पर, लेकिन एक सुरक्षा घेरा बनाती हुई मल्लापुर की टीम आशु के लिए, कहीं कोई आजादी नहीं लेने दे रही है आशु को। आज अभी तक कोई पॉइंट, और इस बार यहां पर देखना पड़ेगा, एक अपील आ रही है उनके तरफ से और यहां पर कोई टच पॉइंट नहीं गया है। तो लास्ट रेड है ये हाफ टाइम के पहले की, लास्ट रेड है ये हाफ टाइम के पहले की, लास्ट रेड है ये। इस समय अंतिम रेड के लिए हाफ टाइम के पहले, हालांकि एक बड़ी बढ़त बना चुकी है यहां पर। रेड एम्प्टी गई, हाफ टाइम भी इस तरह पूरा हुआ। पॉइंट का जहां सवाल है वो है मैं आपको बता देता हूं।
11 और 3 प्रतापगढ़ स्टेडियम का लगभग सभी रेड खाली गई है या तो टैकल किया गया है। इस समय रेडर सचिन कोशिश करते हुए यहां पर कोई पॉइंट अर्जित किया जाए क्योंकि टीम उनके पीछे रही है और 8 मिनट का गेम बाकी है। अब तो कुछ कमी हो गया है। इस वक्त तो देखा जाए तो प्रतापगढ़ स्टेडियम में सब कुछ बिखरा नजर आ रहा है, ना डिफेंस काम कर रहा है ना उनके रेडर चल रहे हैं, तो मात्र 3 पॉइंट पर काफी देर से रुकी हुई है टीम। 11 और 3 ये पॉइंट है, यानी 8 पॉइंट का फासला दोनों टीमों के बीच में। यहां पर एक कोशिश और प्रशूट करने की कोशिश, लेकिन काफी लेट बचाया अपने आप को डिफेंडर ने। हालांकि अगर ये चालाकी थोड़ा जल्दी दिखाई गई होती राहुल को आशु के द्वारा तो निश्चित तौर पर काम हो सकता था। इस गेम में अभी तक आशु भी बिल्कुल कामयाबी नहीं हासिल कर पाए हैं। यहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ है बोनस का, चलिए रेड एम दी गई है। दो छह खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंड करती हुई टीम। यहाँ पर एक हैंग टच की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं, इस बार देखना पड़ेगा। चलिए रेडर आउट, यहाँ पर एक और पॉइंट आता हुआ मुल्लापुर के लिए। आप लोग भी निगाह रखिए बोनस पे कम से कम। 4 खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर एक रनिंग हैंड टच की कोशिश लेकिन नहीं, रेड एम्प्टी। इधर रेडर इस समय मुश्किल वक्त है और यहाँ बहुत आसानी से टैकल किया गया है खिलाड़ी को। एक पॉइंट और आता हुआ मल्लापुर के लिए। एक तरफा मुकाबला जाता हुआ जिसकी उम्मीद दर्शक नहीं किए थे निश्चित तौर पर, तो एकमात्र सुपर टैकल का एक 2 पॉइंट बना और एक पॉइंट और मिला था, तो 3 ही पॉइंट है इस समय प्रतापगढ़ स्टेडियम के। रेडर मल्लापुर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इस समय मुल्लापुर की टीम निश्चित तौर पर, और यहां पर एक और टैकल का नाकामयाब प्रयास, एक और आउट होने का खतरा भी मंडलाता हुआ। कह सकते हैं कि संभवतः औपचारिकता शेष है। जो हाल पहले हाफ में थी प्रतापगढ़ स्टेडियम की, वही हाल सेम दूसरे हाफ में भी है इस समय। छह खिलाड़ी मात्र हैं, हालांकि 7 खिलाड़ी हैं, सॉरी बोनस भी ऑन है, लेकिन 3 पॉइंट के बाद ऐसा जड़ गए हैं यहां पर प्रतापगढ़ स्टेडियम के खिलाड़ी कि एक भी पॉइंट नहीं अर्जित कर पाए अभी तक। तो चलिए रेड करके संभवतः बहुत जल्द वापस जाने के या टाइम पास करने का इरादा है, हालांकि ज्यादा वक्त बचा भी नहीं है अब, और इस मैच में अब कुछ हो भी नहीं सकता प्रतापगढ़ स्टेडियम के लिए। लास्ट 2 मिनट का खेल भी बचा है, लास्ट 2 मिनट, वहां से कुछ होना नहीं है। पंद्रह और तीन का स्कोर यानी 12 पॉइंट की बढ़त। इस समय रेडर प्रतापगढ़ स्टेडियम कह सकते हैं कि एक औपचारिकता पूरी की जा रही है, वो जो 2 मिनट का वक्त बचा है उसे पूरा करने के लिए। बाकी इस मैच में अब कुछ बचा नहीं है प्रतापगढ़ स्टेडियम के लिए। भाई 2 टीमों का नाम वहां लिख लीजिए आजाद, इसके बाद जो टाई होनी है, ज्यादा वक्त ताकि न लगे, इस मैच के तुरंत बाद हो जाएगा। तो एक और पॉइंट यानी एक और ऑल आउट, अंतिम मिनट चल भी रहा है यहां से। अब जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए मुल्लापुर की टीम निश्चित तौर पर एक जबरदस्त प्रदर्शन उनके द्वारा हुआ और एक तरफा मुकाबला यहां पर जीतती हुई और इस तरह मैच भी एंड हो गया। अब यहां पर मुल्लापुर ने अपने कदम आगे बढ़ाए, बिल्कुल मिलाओ हाथ मिलाओ, सब खिलाड़ी हैं खेल में, सिर्फ कहीं तनाव से थोड़ा सा जो विवाद हुआ था उसको दूर करें, बस विवाद यहीं पर खत्म करें, खिलाड़ी हैं। तो चलिए दोनों कप्तान आ जाए, चूंकि
और इसके पहले मैच में बाई मिली थी धर्मपुर को, तो इस मैच